ਰੁਕਰਨ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਹਿਲੋਤ ਹਿਮਾਇਤੀ 82 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सूत्रों मुताबिक गहलोत हमायती 82 विधायकों का समर्थन इतने नजर आ रहा। सचिन पायलट के हाथ कमान ना सौंपण की मांग की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत लड़न जा रहे हैं कांग्रेस प्रधान की चोण, जिसनों लैके राजस्थान की सियासत नवे मोड़ पर आ गई है। नामांकन भरन की पूरी तैयारी है। उत्थे ही जेकर गल की जाए मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की जो पसंद है सचिन पायलट है, पर गहलोत खेमा पायलट के ना से नाराज़ हो गया। जी हाँ, क्योंकि इस वेले प्रधानगी कांग्रेस प्रधान की चोण होनी है। गहलोत तो चोण लड़न लई सीएम अहुदे तो अस्तीफा देना होगा। सो सारे नाल सारे सहयोगी गुरप्रीत जी इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल गल करदे आ। गुरप्रीत जी, जिस तरह राजस्थान की जो सियासत है वह बेहद गरमाई है। इस तो पहला भी असी सचिन पायलट से अशोक गहलोत के हिमायतियों विचाले टकरा देखा सी, लेकिन हुण यह टकरा बहुत ज्यादा सामने आ गया। जी राधा जी, गल की जाए तो राजस्थान का अगला पायलट कौन होगा, यानी सीएम कौन होगा, ये सवाल जो है बहुत ज्यादा सुर्खियां दे विच है, क्योंकि लगातार सवाल चुके जा रहे सन कांग्रेस के वालों की कांग्रेस का प्रधान चुनिया जाए उस तो पहला ही राजस्थान का सीएम कौन होगा, ये कांग्रेस के वास्ते वड्डी मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है। क्योंकि कितने ना कितने जो चर्चावां चल रही सन कि जो सीएम ने मौजूदा सीएम ने अशोक गहलोत वो जो है कांग्रेस के प्रधान वजो अपनी नामजदगी दायर करेंगे, वो हो सकते हैं प्रधान, ये कहा जा रहा है। कितने ना कितने गांधी परिवार यह सुनेहा देना चाहता है कि कोई होर भी जो है गांधी परिवार चो वो कांग्रेस का प्रधान बन सकता है, पर दूजे पासे जो है गहलोत को अस्तीफा देना पैना राजस्थान के सीएम के अहुदे तो, उसके लिए सचिन पायलट का नाम सब तो मोहरे चल रहा है। पर जिहड़े गहलोत हमायती ने, गहलोत कदे भी नहीं चोणगे कि सचिन पायलट के हाथ राजस्थान की कमान आवे, इसलिए उन्होंने अपने हमायतियों लामबद किया होया है। कहा जा रहा है कि अंदर अंदर अपने हमायतियों पुशअप कर रहे हैं कि तुम विरोध करो, तो यह भी सूत्रों के हवाले तो खबर मिल रही है कि जिहड़े गहलोत हमायती 82 विधायक ने उन्हां वलों हले तक अपना अस्तीफा जो है वो स्पीकर नूं सौंप दिता गया, कितने ना कितने दबाव बनाया जा रहा है। तो भी खबर जो ने निकल के सामने आ रही ने कि हाईकमान के सामने भी तीन शर्त जो ने उन्हों हमायतियां ने जे 82 कांग्रेस के विधायक ने उन्होंने रख दिया ने। सीपी जोशी का नाम जो है वो सब तो अगे चल रहा है कि सीपी जोशी जो है सीएम बनाया जाए, तो उन्होंने यह भी कह दिता है कि असी तो पुराने वफादार हाँ, साढ़े 82 के पिछों की किसी को क्यों नहीं सीएम बनाया जाता, सचिन पायलट को क्यों बनाया जा रहा है। जे गल की जाए तो थानू याद होगा कि सचिन पायलट ने पिछे जे बगावत की सी जो चर्चावं चलिया सन कि उन्होंने पार्टी तोड़न की जो है वो कोशिश की है, बीजेपी के इशारे से वो खेड रहे सन, अजे काफी सारे इल्जाम ने जो उन्होंने काफी सारे इल्जाम लगे जिसनों लैके सियासत गरमाई। लेकिन जदों पिछली बार सीएम की चोण राजस्थान होनी सी उदों सचिन पायलट का ना भी सीगा दौड़ दे विच, हालांकि उस वेले उन्होंने डिप्टी जिहड़ा है सीएम बनाया गया। लेकिन जे इस बार फिर उन्होंने वांझे रखा जाता है, कितने ना कितने उन्होंने हिमायती भी फिर बगावत कर सकते हैं। जी राधा जी, गल की जाए तो सचिन पायलट के जिहड़े हमायती ने उन्होंने गिणती ज्यादा नहीं है, 82 जिहड़े ने 102 कुल विधायक ने कांग्रेस के, जो कहा जाए तो 82 जिहड़े ने वो गहलोत के नाल जुड़े हुए ने, कुछ सीपी जोशी के नाल ने, कुछ होर छोटे मोटे आगू ने, उन्होंने अपने दो दो तीन तीन जो विधायकों के धड़े बनाए हुए हैं। सचिन पायलट के कोल नंबर ज्यादा नहीं है, इसलिए तो जी पिछली बार बगावत की उसका खामियाजा भी सचिन पायलट को इस वे भुगतना पै रहा है, विरोध किया जा रहा। हालांकि आखिरी फैसला जो है हाईकमान ने करना है, पर कितने ना कितने राजस्थान अशोक गहलोत का ना सब तो अगे, लेकिन इस विचकार क्योंकि अपने मुख्यमंत्री पद नहीं छड़ना चाहते और अपनी जगह सचिन पायलट नूं नहीं देखना चाहते, इसलिए इस वेले बवाल कांग्रेस प्रधान तो ज्यादा इस वेले राजस्थान मचता दिखाई दे रहा, जिसका शायद कितना कितने खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पै सकता है।